भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में बहुत अच्छा अच्छा प्रावधान है, लेकिन दुख इस बात का है कि संविधान में जो जो लिखा है हकीकत में दिखा नहीं है, और हकीकत में इस समाज में जो जो दिखा है वो संविधान में कहीं लिखा नहीं है। जब मैं संविधान पढ़ाता हूं तो मेरा ही अंतर मन मुझसे सवाल करता है। आर्टिकल 14 के तहत जब बताया जाता है कि समानता का अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो मेरा अंतर मन मुझसे ही पूछता है कि कहां समानता है। इस देश में फोर्थ ग्रेड की नौकरी के लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए बनने के लिए, यहां तक कि शिक्षा मंत्री भी बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इस देश में अनपढ़ गवार व्यक्ति भी शिक्षा मंत्री बन सकता है। कहां समानता है? अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस हो जाती है तो पूरी जिंदगी उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन अगर किसी के ऊपर अपहरण, हत्या, बलात्कार जैसे संगीन मामले हैं, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति इलेक्शन लड़ करके सांसद, विधायक, यहां तक कि कानून मंत्री बन सकता है। किसी वजह से अगर एक साधारण व्यक्ति को जेल हो जाता है तो उसकी वोटिंग राइट खत्म हो जाती है, वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन उसी जेल में तमाम संगीन अपराध को करके और उसी जेल से बैठा हुआ एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ करके सांसद, विधायक बन जाता है, इस देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंच जाता है। कहां समानता है? किस बात की समानता है? हमारी सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को प्रति माह 5 लाख रुपया वेतन, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी प्रावधान है, लेकिन -40 डिग्री टेम्परेचर में इस देश की सुरक्षा करने वाले सीआरपीएफ, बीएसएफ या पैरामिलिट्री के जो भी जवान हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। कहां समानता है? लेकिन संविधान के निर्माताओं से शायद कोई चूक हो गई थी, जिसके वजह से अपने संविधान पर प्रश्न चिन्ह ये उठता है। भारत का नागरिक होने के नाते मैं भी अपने संविधान और इस देश की न्यायिक व्यवस्था में पूरी निष्ठा के साथ जो है मेरा भी लगाव है, लेकिन क्या करें, जब ये मामलात आते हैं तो ये दर्द उभर करके जो है सामने आता है। शुरू करें आज के हम लोग इस सेशन को, और भारत के संविधान का आज ये पहला लेक्चर, और उसमें भारत का संवैधानिक इतिहास को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। भारत का लिखित संविधान की व्यवस्था अगर जो है अपने अस्तित्व में आई तो तब आई जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। कहां पर? लंदन में। और चार्टर एक्ट 1600, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन महारानी एलिजाबेथ के शासनकाल में हुआ, और वो अपने संविधान की जो है पहली सीढ़ी जो है बनी। वो अलग बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो प्रावधान था, लेकिन आगे चल करके जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1757 से लेकर के 1857 तक चार्टर एक्ट जो है जारी किए गए, और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही जो है यहां पर शासन करना जो है जब शुरू किया, तो इंडियन गवर्नमेंट काउंसिल एक्ट जो है जारी किए गए थे। बहरहाल शुरू करें आज के इस सेशन को, और आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चार्टर एक्ट 1600 के अनुसार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य संख्या कितनी है? सबसे पहले आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं कि चार्टर एक्ट 1600 के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर जो है आपसे पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, इसकी स्थापना कब किया गया, तो आप कहेंगे कि 31 दिसंबर 1600 को किया गया था। कहां पर किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, कहां पर किया गया, तो आप कहेंगे कि लंदन में किया गया। कहां पर? लंदन में, ब्रिटेन में किया गया।
जब ब्रिटेन की महारानी के द्वारा चार्टर एक्ट 1600 पे जो है सिग्नेचर किया गया, और इस तरह इस कंपनी को भारत सहित पूर्वी देशों में कितने समय के लिए जो है व्यापार करने का अधिकार जो है प्राप्त किया गया, प्रदान किया गया, तो आप कहेंगे कि 15 वर्ष के लिए भारत सहित पूर्वी एशियाई देशों में 15 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया। आज भले ब्रिटेन दुनिया के ताकतवर देशों में से एक है, लेकिन तब ब्रिटेन की इतनी औकात नहीं थी कि अपने लिए जो है वहां की गवर्नमेंट एक कंपनी का गठन कर पाए। 217 लोग मिले, दो कंपनियां मिली, तब जाकर के एक कंपनी बनी और उस कंपनी का नाम जो है दिया गया क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी अगर जो है पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है कुल कितने शेयर धारक थे, शेयर धारक जो है कुल कितने रहे थे, या कह लें कि कितने ओनर रहे थे, तो आप कहेंगे कि 217 लोग थे। साझेदार कितने थे, बात एक ही है, कितने साझेदार थे, तो 217 लोग मिलकर के इस कंपनी का जो है गठन किया। और कितना धन जो है लगाया गया था, तो 30,133 पाउंड जो है धन खर्च लगा करके जो है इस कंपनी का गठन किया गया। हालांकि इस कंपनी के निर्माण करने के लिए जो है वर्ष 1599 में वहां के लंदन का जो है एक होटल था जिसका नाम था जॉन होटल। जॉन के होटल जॉन के जो है फाउंडर हॉल में मीटिंग की गई, कुल 21 वहां के कंपनियों के जो है ओनर मिले और उन्होंने जो है ये डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग एक ऐसी कंपनी का जो है गठन करेंगे, स्थापना करेंगे, जो कि भारत सहित जो है एशिया के पूर्वी देशों के साथ जो है व्यापार करेगा। और चूंकि उस समय तक यह नहीं डिसाइड किया गया था कि इस कंपनी का क्या नाम होगा, इसलिए इस कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है जो शुरू में नाम जो दिया गया वो जो है जॉन कंपनी जो है दिया गया था। कौन सा? जॉन। आप लोगों से पूछा भी जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था, जॉन था। हालांकि इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बाद में चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है किया गया था, वरना इसका जो है बड़ा लंबा चौड़ा जो है नाम दिया गया। बहरहाल इस कंपनी को चलाने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसमें कुल कितने लोग थे, तो कुल 26 लोग थे। उन 26 लोगों में से एक जो है यहां पर गवर्नर था और एक व्यक्ति जो कि उप गवर्नर यानी डिप्टी गवर्नर था, और निदेशक और उप निदेशक, और इस तरह जो है कुल कितने लोग थे, तो कुल जो है 26 लोग थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या जो है कितनी थी, सदस्यों की संख्या 26 थी। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यही कंपनी इटली से एक जहाज जो है प्राप्त करती है लीज पर, जिस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। उस जहाज को हेक्टर नाम था, उस जहाज को इन लोगों ने लिया तो नाम रेड ड्रैगन दिया, और उसके बाद उसी जहाज के माध्यम से सबसे पहले उस जलयान से भारत न आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इंडोनेशिया में गए थे। मैं पढ़ाया तो आप सबसे बताया, ये प्रश्न भी पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की तलाश में सबसे पहले किस देश में पहुंची थी, इंडोनेशिया में पहुंची। और 1608 में विलियम हॉकिंग्स वो पहला अंग्रेज व्यक्ति था, अंग्रेज यात्री था, जो जल मार्ग से भारत की धरती पर कदम रखा था। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त समिति संबंधित है, गुप्त समिति या सीक्रेट कमेटी, कौन सी? सीक्रेट कमेटी। सीक्रेट कमेटी जो है किससे संबंधित है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी आपको जानकारी के लिए बताया कि वर्ष 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जहाज जिसका नाम था रेड ड्रैगन, क्या नाम था? रेड ड्रैगन। और रेड ड्रैगन जो है सबसे पहले सूरत की धरती पर जो है आता है, जब हिंदुस्तान में जहांगीर का शासन था, और भारत आने वाला पहला व्यक्ति जिसका नाम जो है विलियम हॉकिंग्स था। ईस्ट इंडिया कंपनी कालांतर में आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वर्तमान
उस समय की तात्कालिक जो है व्यवस्था का फायदा उठाया और भारत में प्लासी युद्ध के बाद जो है अपना राजनीतिक सफर जो है शुरू किया। बक्सर के युद्ध के बाद लगभग जो है हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पर इस कंपनी का अधिकार हो गया। वो अलग बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष 2003 में भारत के संजीव मेहता ने पुनः परचेज कर लिया, खरीद लिया था। इस समय इस कंपनी का मालिकाना हक जो है भारत के व्यक्ति के पास है। ब्रिटिश नागरिक, भारतीय व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति संजीव मेहता के पास है। और ये कंपनी आई तो जो है ये चाय का व्यापार, कॉफी का जो है व्यापार, मसालों का व्यापार जो है शुरू की। और संजीव मेहता ने जब इसको परचेस किया है तो ये कंपनी फिर जो है अपना आउटलेट जब लंदन में जो है ओपन किया वर्ष 2013 में, तो वहां पर भी जो है चाय कॉफी यानी उन्हीं मटेरियल का जो है व्यापार करना जो है शुरू किया है। बहरहाल आप लोगों ने मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से पढ़ा होगा कि ये कंपनी अब भारत में भी अपना आउटलेट जो है बहुत जल्दी ओपन करेगी। जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उस समय लॉर्ड नॉर्थ थे, कौन? लॉर्ड नॉर्थ जिनका कार्यकाल वर्ष 1770 से लेकर के और 1772 तक रहा था, यहां के 11वें प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के कार्यकाल में सीक्रेट कमेटी का गठन किया गया और सीक्रेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही, गुप्त समिति के जो है रिकमेंडेशन पर इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास किया गया। इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और बॉम्बे और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के ही अधीन कर दिया गया। जब इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास किया गया तो उस समय भारत में जो है बंगाल का गवर्नर कौन था? आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल वर्ष 1772 से लेकर के कब तक रहा था? ये रहा था वर्ष 1785 तक जो है रहा था 1785 तक रहा था। आप लोगों से पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट को जब पास किया गया तो बंगाल का गवर्नर कौन था? इस तरह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना या कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग्स बना। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर? इंडियन ये सीक्रेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर। और किस एक्ट के तहत? इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया। इसी एक्ट के तहत वर्ष 1774 में 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। किस न्यायालय की? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। और इस तरीके से जो है वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है, या इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में न्यायिक व्यवस्था को जन्म देने वाला एक्ट कहा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको जो है दूर करने के लिए आगे चल करके जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट आता है, और इसको दूर करने के लिए जो है फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ध्यान रखें, चाहे पिट्स इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये सब के सब जो है वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही आए थे। आगे अभी पढ़ाऊंगा कि पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ही वारेन हेस्टिंग्स अपने पद से जो है त्याग पत्र देकर के वापस स्वदेश चला गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति किस चार्टर के तहत दी गई थी? चार्टर एक्ट 1793 चार्टर एक्ट, या इसको ऐसे होने चाहिए था, इधर का उधर लिख दिया गया है। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1726। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के रूप में अभी जो है बिल्कुल अपने इनिशियल स्टेज में थी, तो इसको बॉम्बे मद्रास कलकत्ता प्रेसिडेंसियों में विभाजित किया गया था, और तब उसके गवर्नर को विधि बनाने यानी कानून बनाने की राइट जो है चार्टर एक्ट 1726 के तहत जो है दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद जो पहला चार्टर जारी किया गया वो चार्टर एक्ट 1726 था। चार्टर एक्ट यानी राजाज्ञा, राजदेश, राजा का आदेश।
और ये कंपनी के लिए जो है जारी किया जाता था। और चार्टर एक्ट 1726 से जो कहानी शुरू हुई थी वो जाकर के खत्म हुई चार्टर एक्ट 1853 तक, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब 1857 की क्रांति के बाद जो है समाप्त हो गया तो चार्टर एक्ट की कहानी भी समाप्त हो गया। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए, जो नियम कानून बनाए गए, उसे चार्टर एक्ट के तहत जो है लाया गया था, अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल एक्ट के तहत लाया गया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प 100% सही है। अगला प्रश्न, बंगाल का जुडिकेचर, जुडिकेचर शब्द है, जुडिकेयर नहीं है, जुडिकेचर एक्ट के नाम से जाना गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। आपको जानकारी के लिए बताएं कि इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 पास किया गया, जिसके तहत मैंने बताया था कि बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, उसका कार्यकाल निर्धारित किया गया और बंबई मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत ला दिया गया। यानी भारत में एक केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित करने का जो है ये प्रयास किया गया, लेकिन इसके अंदर जो कुछ जो है कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781। कौन सा लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, और इसे बंगाल का जुडिकेयर एक्ट या जुडिकेचर एक्ट के नाम से जो है जाना गया, जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, वारेन हेस्टिंग्स था। मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, भारत का पहला गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था, लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में ही ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है लाया गया 1781, और इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, बिहार बंगाल और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कहां कहां? बिहार बंगाल और उड़ीसा, इन क्षेत्रों के लिए भी इसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और वो इसलिए दिया गया क्योंकि आपको सबको पता है कि वर्ष 1765 में जब रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि जो है किया, तो उसके बाद अवध के नवाब से बिहार और उड़ीसा छीन लिया गया था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट को जो है देखा जाता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के शासनकाल में निम्न में से किसे पास किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। लॉर्ड नॉर्थ जो कि वहां के 11वें प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 1770 से लेकर के और कब तक रहा था, तो आप कहेंगे कि 1782 तक रहा था। कब तक रहा? 1782 तक रहा था। तो अब बताने की जरूरत है कि ये इसमें कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास नहीं किया गया था, किसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास किया गया? ओहो, ये पूछ रहा है पास किया गया, संशोधन होना चाहिए, पास नहीं किया गया, नहीं किया गया, नहीं किया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इन्हीं के कार्यकाल में आया, सीक्रेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर। इसमें जो कमियां थी उसको सुधार करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसको कि बंगाल का जुडिकेचर एक्ट के नाम से जो है जाना गया। और इसके अंदर जो कमियां रही थी आपको जानकारी के लिए जो है बता दें, उसको दूर करने के लिए 1783 में, कौन सा? 1783 में ब्रिटेन की संसद में दो एक्ट जो है लाए गए थे, एक जिसको कि जो है डंडाज अधिनियम के नाम से जाना गया और दूसरा
दूसरा जिसको कि फॉक्स अधिनियम के नाम से जो है जाना गया, फॉक्स एक्ट के नाम से जो है जाना गया, दोनों जो है लाए गए एक फरवरी महीने में और एक जो है नवंबर के महीने में, लेकिन ये दोनों एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ और तब के नियमानुसार वहां की गवर्नमेंट को जो है रिजाइन देना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा, या कह लो कि वहां की सरकार जो है गिर गई और इस तरीके से लॉर्ड नॉर्थ का कार्यकाल जो है समाप्त हो गया। लॉर्ड नॉर्थ का कार्यकाल फिनिश हुआ और इस तरह यह पहला वाक्या हुआ जब भारत के किसी मामले में ब्रिटेन में कोई सरकार जो है चली गई। और इस तरीके से नई गवर्नमेंट जब जो है आती है तब विलियम पिट जब प्रधानमंत्री बनता है तो उसी जिसका नाम विलियम पिट्स था, इसीलिए जो एक्ट जो है पास किया गया उसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का जो है पावर को कम कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया, 8 ये 4 थी 4 से 3 कर दिया गया और इनके राजनीतिक अधिकार प्रशासनिक अधिकार जो है ले लिए गए और भारत की जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन करने के लिए जो है अब दो व्यवस्थाएं जो है बना दी गई, एक जो पहले से काम कर रहा था जिसका नाम जो है गवर्नर और उसकी परिषद थी और दूसरा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां पर जो है स्थापित किया गया था, लंदन में स्थापित किया गया, जिसके सदस्य संख्या जो है कितनी थी, कुल 6 थे और इसका जो प्रमुख होता था वो ब्रिटेन की मिनिस्ट्री से जो है एक व्यक्ति होता था और इनके सदस्यों की नियुक्ति वहां के सम्राट के द्वारा जो है की जाती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकार, सैन्य अधिकार, विदेशी मामले, जबकि गवर्नर जनरल को बस अब जो है व्यापार करने तक के लिए जो है सीमित कर दिया गया और यही वजह था कि इनका पावर जब कम हुआ तो वारेन हेस्टिंग्स जो है इसका विरोध किया और त्याग पत्र देकर के वापस चला गया। आगे की ओर देखते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था, तो आप कहेंगे इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया कब गया, 1774 में किया गया। किसके टाइम पीरियड में किया गया, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में किया गया। वारेन हेस्टिंग्स जब जो है बंगाल का उन दिनों ये गवर्नर जनरल हुआ करता था, इसे भारत में न्यायिक व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है और इस तरीके से जो है जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई थी उसका मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजा इम्फे था, जबकि अन्य न्यायाधीशों में लिमेस्टर, हाइड, चेंबर, कौन सा, लिमेस्टर, हाइड और चेंबर, जबकि मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्फे था। इसी एलिजा इम्फे से अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है नंद कुमार को फांसी दिलवाई गई थी, जिसको कि भारत के इतिहास में न्यायिक हत्या के नाम से जो है जाना जाता है। बहरहाल इस प्रश्न के अनुसार कौन न्यायाधीश नहीं था, बिहार की परीक्षा में ये पूछा गया जो है ये प्रश्न है, इसमें लिमेस्टर भी न्यायाधीश था, हाइड न्यायाधीश था, चेंबर न्यायाधीश था, लेकिन ये जो है क्या था, चीफ जस्टिस था, यानी मुख्य न्यायाधीश था। हालांकि ये कोई प्रश्न तो नहीं बनना चाहिए था, लेकिन जब पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया। वहां भी आयोग ने अंतिम विकल्प को सही माना, एलिजा इम्फे न्यायाधीश नहीं बल्कि मुख्य न्यायाधीश था। अगला प्रश्न, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत अथवा उपहार लेने से जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करना शुरू किया तो ब्रिटेन के जो सबसे रईस लोग होते थे वो उन दिनों भी लाखों लाखों पाउंड जो है घूस देकर के और ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी बनना पसंद करते थे। तब जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 5-5 बरस तक जो है वेतन नहीं देती थी, आज की कौन सी ऐसी कंपनी है
या संस्था 5 वर्ष अपने कर्मचारियों को 5 वर्ष छोड़ दो, 5 महीना अगर जो वेतन न दे क्यों तो जयराम जी करके चल देगा। लेकिन उन दिनों 3-3 वर्ष 5-5 वर्ष तक वेतन नहीं मिलता था, उसके बाद भी लोग जो है लाखों पाउंड जो है देने के लिए तैयार थे, घूस देने के लिए, रिश्वत देने के लिए तैयार थे, क्योंकि जो उस कंपनी का कर्मचारी बन जाता था, एम्प्लाई बन जाता था, तो उसके लिए तो जो है फिर कुबेर का खजाना खुल जाता था, भारत के लोगों को जो है लूटना, शोषण करना। और यही वजह था कि यहां पर जो है उपहार और रिश्वत लेने पर जो है रोक लगा दी गई थी। किस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया, किस एक्ट के तहत जो है ये व्यवस्था किया गया, तो सबसे पहले जो है इनको रिश्वत लेने पर जो है प्रतिबंध, उपहार लेने पर, गिफ्ट लेने पर जो है प्रतिबंध, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गिफ्ट लेने पर उपहार ये रोक लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। जबकि इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इनको लाइसेंस जो है अनिवार्य कर दिया गया था, अगर बिजनेस करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, यहां पर जो है इसको अनिवार्यता जो है की गई थी। चार्टर एक्ट 1813 के तहत जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इनकी व्यापारिक जो है शक्तियों पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया गया था। हालांकि चार्टर एक्ट के तहत 1813 के तहत ही भारत में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने का जो है अधिकार प्रदान किया गया। चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही भारत की एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। और भी बहुत से कार्य किए गए, क्योंकि प्रश्न के रूप में जो है आ रहा है आगे, तो मैं इस पर अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास का भी गवर्नर जनरल घोषित किया गया। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास का भी गवर्नर जनरल घोषित किया गया। तो कितनी बार अभी तो चिल्ला चिल्ला करके यही बात बताए हैं, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह काम हुआ था, तो आप कहेंगे कि सीक्रेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर। किस पर? सीक्रेट कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह कार्य किया गया था, यह एक्ट का पास किया गया और उसी एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया। उसने किसके शासनकाल में यह काम किया गया था, तो आप कहेंगे कि ब्रिटेन के 11वें प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के शासनकाल में यह कार्य हुआ था। बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी मैंने बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1871 लाया गया, जिसे बंगाल का जुडिकेचर एक्ट के नाम से जो है जाना गया था। पिट्स इंडिया एक्ट इसकी कमियों को दूर करने के लिए जो है लाया गया। सब में कमी थी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी पर धीरे धीरे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिकंजा कसता चला गया इन चार्टर एक्ट के तहत, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे जैसे भारत में जो है अपना व्यापारिक और राजनीतिक जो है प्रभुत्व बढ़ाती चली गई, ब्रिटेन की सरकार वहां से इसे लोमड़ी की तरह जो है ललचाई हुई नजरों से जो है देख रही थी, और एक एक करके धीरे धीरे करके इस कंपनी को तब तक जब तक कि चार्टर एक्ट 1853 जो है नहीं आया, उस एक्ट के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि इस कंपनी का जो है ओनरशिप कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में ले सकती है। वैसे मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि 1 जनवरी 1874 को हमेशा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। भारत में इसका कार्यकाल कब से कब तक जो है रहा था, तो ये भारत में कंपनी आई 1608 में और जो है 1874 तक जो है इसका कार्यकाल रहा। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा के लिए इसे भंग कर दिया था, समाप्त कर दिया था। आगे देखिए, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में क्या सत्य है। ब्रिटिश पीएम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर। पहला विकल्प कह रहा है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गठित गुप्त समिति की सलाह पर पास किया गया था, 200% सही है। दूसरा विकल्प,
बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और बंबई मद्रास को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया। अभी ये तो पीछे भी आया था, बस अंतर ये था कि पीछे वाला जो क्वेश्चन आया था वो इन जो है एसएससी एग्जाम में जो है पूछा गया था, यानी वनडे एग्जाम में पूछा गया, और ये जो पूछा गया था पूछा गया है ये जो है सिविल के पेपर में जो है पूछा गया है। तो जो लोग आरओ एआरओ उत्तर प्रदेश पीसीएस या बिहार पीसीएस मध्य प्रदेश पीसीएस जैसी परीक्षाओं में जो है सम्मिलित हो रहे हैं वो इस तरह के क्वेश्चन का जो है अपने को हैबिचुअल बनाएं, और जिन लोगों का जिंदगी का मकसद जो है रेलवे पुलिस या इस तरह का जो है एट पेट टेट, तो फिर जो है जैसे मैंने बताया था वहां पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वहां इस तरीके से पूछे जाएंगे, अंतर बस इसी बात का होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जिसके परिषद में कुल 4 सदस्य थे। बिल्कुल सही है, तो इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? अंतिम विकल्प सही है। अगला प्रश्न, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का कौन सदस्य नहीं था? वाओ, ये आरओ का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आरओ, वहां अगर फैक्ट भी पूछा जाता है तो बहुत जबरदस्त पूछा जाता है, और इस बार तो आरओ का जो पेपर था, अगर जो पहली बार जिसने दिया होगा वो फिर तो आरओ एआरओ को अपने जीवन से जो है जीवन के डायरी में से वो पेज ही फाड़ करके फेंक दिया होगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का कौन सदस्य नहीं था? फिलिप फ्रांसिस था, मानसन भी था, ये बार बैल भी था, क्लेवरिंग ये भी था, कौन नहीं था? तो चारों के चारों सही थे, चारों के चारों इसके सदस्य थे, इसकी परिषद के सदस्य थे, और वोटिंग के आधार पर जो है यहां डिसीजन लिया जाना था। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को कास्टिंग वोटिंग करनी थी, यानी जब वोट बराबर हो जाए तो वारेन हेस्टिंग्स भी जो है कास्टिंग वोट कर सकता था। तो 4 ये सदस्य थे तो बराबर होना जो है वोट तो लाजिमी था, यानी इनडायरेक्टली जो है इस काउंसिल को भारत में बंगाल और उसके आसपास के जो है क्षेत्रों में वोटिंग राइट जो है दी गई थी, और उस वोटिंग राइट के तहत जो है इनको कानून बनाने का जो है अधिकार दिया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। एडमंड बर्क के सुझाव पर किस एक्ट का प्रावधान किया गया था? एडमंड बर्क के सुझाव पर कौन सा एक्ट जो है पास किया गया था? बंगाल का जुडिकेचर एक्ट पास किया गया था 1781। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। किसके जो है शासनकाल में यह काम किया गया था? लॉर्ड नॉर्थ के जो है शासनकाल में किया गया था, और लॉर्ड नॉर्थ के शासनकाल में बंगाल का जुडिकेचर एक्ट पास किया गया। 1773 में जो कमियां रह गई थी उन्हीं को दूर करने के लिए, इसकी कमी को दूर करने के लिए जो है इसे पास किया गया था। इसके तहत कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट को जो है ये आदेश दिया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत, कि जब कभी कोई डिसीजन दिया जाए तो भारत के लोगों का जो है सामाजिक धार्मिक वहां के व्यवस्था का जो है सम्मान किया जाए। इसके साथ साथ बंगाल की सरकार को जो है बिहार उड़ीसा के क्षेत्र में भी जो है कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया कर दिया गया। गवर्नर और उसकी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से जो है मुक्त कर दिया गया। कुछ ऐसा काम जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत किया गया, जिसको जुडिकेचर एक्ट ऑफ बंगाल के नाम से जो है जाना गया। यही सारी बातें। अब इसी को सिविल में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, अब सिविल में इसी प्रश्न को ऐसे पूछेगा, बंगाल के जुडिकेचर एक्ट 1781 से कौन सा संबंधित नहीं है? पहला विकल्प, बंगाल के गवर्नर जनरल को बिहार बंगाल और उड़ीसा में विधि
यानी कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, यही तो मैंने बताया था। गवर्नर इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, ये भी सही है, वरना गवर्नर काउंसिल जो नियम बनाती थी उसको सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट था, उससे अप्रूवल लेना पड़ता था, वहां पर पास उसको कराना पड़ता था। यानी इनडायरेक्टली जो कानून बनाने का जो है अधिकार था वो सुप्रीम कोर्ट के जो है पूरी तरीके से कब्जे में था। अब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को लगभग जो है पैरेलल बराबर का जो है राइट्स दे दिया गया, उसकी अधिकारिता से समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, क्या एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट जो है 1781 लाया गया था, यानी उपरोक्त सभी कथन क्या है 100% जो है सही है। अगला प्रश्न को देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट से संबंधित नहीं है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, अरे यार, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या इसी को जो है किस नाम से जाना जाता है, जुडिकेचर एक्ट के नाम से जो है जाना गया, जुडिकेचर एक्ट के नाम से जाना गया। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता समाप्त कर दी गई और राजस्व मंडल की स्थापना की गई, अधिकारिता समाप्त किया गया था, न कि राजस्व मंडल का जो है स्थापना किया गया था, इसलिए यह विकल्प जो है सही है। भारत के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया गया, यह भी सही। एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट को ही बंगाल का जुडिकेयर एक्ट के नाम से जो है जाना गया था, बिल्कुल सही है, पहला जो है विकल्प सही है, क्योंकि पूछ रहा है कौन संबंधित नहीं है, पहला संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, अधिकारियों आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी किस एक्ट के तहत दिया गया था, चार्टर एक्ट के तहत 1833 के तहत जो है इसका नाम आधिकारिक रूप से ऑफिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रख दिया गया था, वरना इससे पहले जो है इसे किस नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इन इंडीज के नाम से जो है इसे जाना जाता था, लेकिन इतना छोटा सा जो नाम इनके लिए परेशानी का सबब था, इसलिए चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है इसका नाम बदल करके और कर दिया गया, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। आगे पढ़ाऊंगा कि चार्टर एक्ट 1853 के तहत इस कंपनी को कभी भी समाप्त करने का अधिकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है पास किया, और यही वजह था कि इसी एक्ट के तहत जो है आगे चल करके 1858 में जब भारत शासन अधिनियम जो है लाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल एक्ट लाया जाता है 1858, तो उसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से शासन समाप्त कर दिया गया। और आगे चल करके 17 अधिनियम 1783 के तहत, 1883 के तहत लगभग 1873 के तहत 1874 में इसको हमेशा के लिए कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया था। बहरहाल यहां पर दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प जो है सही है, कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन में एक कोर्ट की स्थापना की गई, 100% सही है, यह व्यवस्था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है लाया गया था, और पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा जो है लाया गया था, तो विलियम पिट्स के शासनकाल में जो है ये पास किया गया था, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट जो है कहा गया। इसके तहत गवर्नर जनरल के पावर को, अधिकार को जो है कम किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स जब त्यागपत्र दे करके पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में लंदन जाता है, तो उसके खिलाफ जो है वहां पर इम्पीचमेंट लाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है, वो अलग बात थी कि वारेन हेस्टिंग्स उससे मुक्त हो जाता है, क्योंकि कोर्ट भी उन्हीं की थी, कचहरी भी उन्हीं का था, कानून भी उन्हीं का था, तो जाहिर सी बात है फैसला भी उन्हीं लोगों के पक्ष में होना था। अगला, इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य पृथक कर दिए गए थे, पृथक कर दिए गए थे, बिल्कुल सही था। व्यापारिक कार्य को जो है कौन कर देख रहा था, तो भारत में गवर्नर देख रहा था, गवर्नर देख रहा था, और
यानी गवर्नर की काउंसिल देख रही थी, जबकि इसके राजनीतिक कार्य जो है कौन देख रहा था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था कहां पर, लंदन में, जिसके सदस्यों की संख्या 6 थी, और ये राजनीतिक कार्य भारत में किस राजा के साथ संधि करनी है, किस राजा के साथ जो है युद्ध करना है, क्यों करना है, ये पूरी व्यवस्था जब तक जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पास नहीं होती थी, तब तक भारत में गवर्नर और सेनापति उस पर किसी तरीके का एक्शन नहीं ले सकता था। इसीलिए जो है गवर्नर उस समय वारेन हेस्टिंग्स नाराज था, क्यों, क्योंकि उसके राजनीतिक अधिकार उससे छीन लिए गए और जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है इससे, उसका जो बैठा हुआ वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जहां सदस्यों की संख्या 26 थी, 1/4 सदस्य उसमें प्रतिवर्ष जो है रिटायर्ड हो जाते थे, उसके जो ओनर जिनके पास 500 पाउंड या उससे अधिक का शेयर था वही वहां पर वोटिंग करके जो है उनका फिर चुनाव करता था। उनको भी इस बात का जो है बेहद गम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में अपने को बहुत सशक्त मजबूत कर ली तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको ललचाई हुई नजरों से देख रही है। आगे देखते हैं तीसरा विकल्प, इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण के लिए नियंत्रक मंडल की स्थापना किया गया था। वही तो बात मैंने जो है बताया था, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से 8 कर दी गई। जी नहीं, यह गलत है, गवर्नर जनरल की जो है परिषद की संख्या कम की गई थी और 4 से घटा कर कितनी कर दी गई थी, 3, इसलिए यही उत्तर होगा, क्योंकि पूछ रहा है क्या सत्य नहीं है, डी विकल्प सत्य नहीं है। गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया, यह भी सही है। ये 5 विकल्प इसमें दिए गए हैं, बिहार में अमूमन जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है उसमें 5 विकल्प जो है दिए होते हैं। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल के सभी 6 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया था, ब्रिटिश सम्राट को जो है दिया गया था, किसको दिया गया था, ब्रिटिश सम्राट को जो है अधिकार दिया गया था। और जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसका जो चीफ हुआ करता था वो ब्रिटेन का एक मिनिस्टर हुआ करता था, ब्रिटेन का कैबिनेट मिनिस्टर होता था, कैबिनेट मिनिस्टर होता था, कौन, इसका जो गवर्नर था वो ब्रिटेन का एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न को जो है देखते हैं, किस अधिनियम के पास न होने के कारण किसी लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा था, किस अधिनियम के पास न होने के कारण लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। मैंने पढ़ाया आपको तो बताया कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 की कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहले डंडाज एक्ट लाया गया 1783, लेकिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन में यह पास नहीं हो पाया, नहीं हुआ, तब जो है फॉक्स एक्ट लाया गया। फॉक्स का भारतीय अधिनियम 1783 आया, ये फरवरी में ये नवंबर में ये भी जो है नहीं पास हो पाया, अंत तो गत्वा ब्रिटिश सरकार जो है ये गिर गई। और इस तरह मैंने बताया था कि भारत के किसी मामले में ब्रिटेन की सरकार चली गई, इसका पहला प्रमाण जो है यहीं पर जो है देखा गया, जब लॉर्ड नॉर्थ की सरकार जो है लगभग 1770 से लेकर के 82 तक 12 वर्ष तक जो है उन्होंने वहां शासन किया और भारत के मामले में उनकी गवर्नमेंट चली गई थी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स बनाया गया और उसने जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया था। अगला प्रश्न देखें, 1786 के अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति का अधिकार प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है, चार्टर एक्ट 1786 के तहत ही गवर्नर जनरल को प्रधान जो है सेनापति का भी अधिकार जो है प्रदान किया गया, यानी इनडायरेक्टली गवर्नर जनरल को सेनापति घोषित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका जो है चीफ बना दिया गया, किसको, जी हां, गवर्नर को। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को बदलने का अधिकार था, यह भी 100% सही है, यानी इसके पास जो है वीटो पावर जो है दिया गया।
उस समय के कुछ प्रावधान देखिए आज तक जो है चल रहा है। आज भी हमारी सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और आजादी से पहले राष्ट्रपति मतलब गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का जो पद था उसी को तो आगे चल के राष्ट्रपति कहा गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी नहीं, सिराज गोपालाचारी आजाद भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल हुए थे, पहले भारतीय गवर्नर जनरल हुए थे। आजाद भारत का तो गवर्नर जनरल वही था लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि वो 1948 तक रहा था। बहरहाल भारत का पहला गवर्नर जनरल दोनों की शक्ति प्राप्त थी वह था लॉर्ड विलियम बेंटिक जी नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं था, लॉर्ड कार्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस कहा जाता है कि ये भारत आया, भारत आने से पहले ये जो है उसने चार्टर एक्ट 1786 के तहत जो है गवर्नर जनरल और सेनापति दोनों की शक्तियों को जो है कंबाइन करा दिया। वरना उससे पहले ये लॉर्ड कार्नवालिस कभी अमेरिका में भी वहां युद्धों में हिस्सा लिया था। उसके बाद इसको गवर्नर बना करके भारत भेजा गया 1786 से लेकर के ये 1786 से लेकर के जो है अपने पहले कार्यकाल में 1793 तक जो है ये रहा था। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में ये आया था 1805 में, लेकिन सेकेंड कार्यकाल में आया तो बहुत दिन जो है नहीं रह पाया और इसकी मौत हो गई। जितने भी ब्रिटेन के गवर्नर, गवर्नर जनरल, ब्रिटेन के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय जो भी रहे थे उनमें से यही एकमात्र है जिसका भारत में मकबरा है। और कहां पर? उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर और गंगा नदी के तट पर उसका निर्माण कराया गया था। हालांकि अब तो गंगा जी वहां से बहुत दूर हो गई हैं, लेकिन आज भी वो मकबरा वहीं पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा जो है उत्तर होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तीसरा विकल्प सत्य नहीं है, यही इसलिए जो है आंसर है। अगला प्रश्न को देखें, किस अधिनियम के तहत नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया? 1784 के तहत जो है इसका गठन किया गया था। अभी मैंने बताया ये लोग थे कहां, लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट या कल ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये सदस्य होते थे। वहां का जो मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर होता था वो जो है इसका चीफ होता था, इन्हीं छह में से एक होता था। ये रहते थे ब्रिटेन में, काम करते थे वहां, सब कुछ वहां, और उनको वेतन कहां से दिया जाता था? भारत से दिया जाता था। और यह व्यवस्था जो है चार्टर एक्ट 1793 के तहत जो है किया गया था। किसके तहत? 1793 के तहत जो है किया गया था। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की आज्ञा दी गई। 200% सही है, बिल्कुल इसको रट जाना, कई बार पूछा है। चार्टर एक्ट 1813 के तहत ही ईसाई धर्म का भारत में प्रचार प्रसार जो है शुरू हुआ था। दूसरा, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 खर्च करने का उपबंध किया गया, यह भी सही है। भारतीय लोगों को शिक्षित करने के लिए इन लोगों ने प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया जो है खर्च करने का प्रावधान किया, जबकि कमाते भारत से करोड़ों थे। आज भी भारत में, भारत की जो है गवर्नमेंट एजुकेशन पर कुल बजट का 10% भी खर्च नहीं करती है। उस समय तो हम लोग गुलाम थे, लेकिन अब तो आजाद हैं। लेकिन फिर भी देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, लेकिन सबसे कम खर्च जो है उसी पर किया जाता है। मूर्ति बनाने पर विशेष फोकस हम लोग करते हैं। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार करने का प्रावधान किया गया, सिवाय चीन और चाय का व्यापार। कंपनी का व्यापारिक अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया, यह बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश लोगों को चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार, और सिर्फ अगर किसी प्रोडक्ट में चाय का अधिकार जो है, चाय का व्यापार करने का अधिकार दिया गया, बाकी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, यह भी सही है। अगला प्रश्न, बंबई, कलकत्ता, मद्रास के द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य
और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर प्रधान सेनापति के नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। ये सिविल लेवल का जो ये पेपर है, सभी स्टेटमेंट जो है सही है। अंतिम विकल्प में कह रहा है कि बंबई, कलकत्ता, मद्रास के द्वारा निर्मित जो विधियां, मतलब जो कानून था, वो ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। यानी भारत में जो कानून बनाए जाते थे, चाहे वो बंगाल या मद्रास या फिर जो है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसियों के द्वारा, अब उसका अनुमोदन ब्रिटेन की पार्लियामेंट से होने लगा था और ब्रिटेन के सम्राट का उस पर सिग्नेचर होने लगा था। और इस तरीके से भारत में लिखित संवैधानिक व्यवस्था को धीरे धीरे जो है इन कंपनियों के माध्यम से ही लाने का काम किया। किन लोगों ने? अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों का सबसे जो बड़ा फायदा भारतीयों को हुआ, भारत में एक केंद्रीय सत्ता स्थापित हुई, डेमोक्रेसी लाई गई और भारत का लिखित संविधान जो है बनाया गया। वो अलग बात है कि भारत के लिखित संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए जिसके वजह से आज कुछ विसंगतियां देखने को मिलती है। दुर्भाग्य था कि देश का संविधान पढ़े लिखे विद्वान लोगों ने तैयार किया, जो खुद बैरिस्टर थे, लेकिन सबसे अधिक अधिकार अनपढ़ गवार जाहिलों को, चलो वहां तक तो जो है सही था, लेकिन भारत की राजनीति अपराध और अपराधियों का कब्रगाह बन जाएगी, शायद इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया, जो कि संवैधानिक व्यवस्था का ही दुरुपयोग करके और ऐसा किया जाता है। आज व्यक्ति जो 4-5 मर्डर कर दे, कुछ नहीं कर सकता है जीवन में, लेकिन नेता तो बन ही सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप जेल में रहेंगे तो आपका जीवन नरक बन जाएगा, लेकिन एक सांसद, विधायक और एक मंत्री अगर जेल में है तो वहां भी उसके लिए स्वर्ग है और वहां से बैठे बैठे भी वो चुनाव लड़ सकता है। ये सब प्रावधान अपने संविधान में अपने संविधान निर्माताओं ने काश नहीं किया होता तो शायद आज देश की व्यवस्था कुछ और होती। राजनीति में जो लोग आते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन किया गया होता तो शायद आज कुछ और। बहरहाल, इस उम्मीद में कि ऐसा होगा, इस सेशन में बस इतना ही। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ये जो है पुस्तकें जो कि हमारी संस्था के द्वारा जो है जारी की गई हैं, इनको प्राप्त करने के लिए इन दिए गए नंबरों पर कॉल करें। आज बस इतना ही। आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट में जो है अवश्य लिखेंगे। अगली क्लास में हम लोग फिर इस वादा के साथ फिर मिलेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।